सोचिए कि अगर आप घर से ऑफिस जाते वक्त कार में, सिनेमा घर में बैठे बैठे ऑफिस का काम निपटाते हुए महज कुछ मिनट की मोहलत निकालकर वोटिंग वाले दिन अपने उम्मीदवार को वोट देने की सुविधा हो तो कितना अच्छा रहेगा। जी हाँ, वोटिंग का ये कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन वोटिंग का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बाद अब भारत में ऑनलाइन वोटिंग को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। भारत में दूसरे शहर में जाकर रहने वाले वोटर्स की संख्या भी काफी है, ऐसे में ऑनलाइन वोटिंग को जरूरी बताया जा रहा है। ऐसे में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताते हैं जहां वाकई देश की आधी आबादी ऑनलाइन वोटिंग ही करती है। अहम बात यह है कि यह देश महज 28 साल पहले ही आजाद हुआ और आज अपनी तकनीकी और ऑनलाइन सुविधाओं के लिए मशहूर है। ये यूरोपीय देश है एस्टोनिया, जो बाल्टिक सागर के किनारे बसा हुआ है। ये देश साल 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ था, लेकिन जब ये देश आजाद हुआ था तब की हालत देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि इसका कायाकल्प ऐसा होगा। इस देश ने आजाद होने के बाद पहले 12-13 सालों में अपने देश को स्थिर किया, इस बात के लिए खुद को तैयार किया कि अब अपने देश का शासन वो खुद चला सकता है। इसके बाद उसने 2004 में यूरोपीय संघ में खुद को शामिल किया और तकनीकी जगत की क्रांतिकारी नीति पर फोकस किया। एक रिसर्च के मुताबिक एस्टोनिया में इतनी कंपनियां उभर रही हैं जितनी अमेरिका के कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में भी नहीं उभर रही। यहां अलग अलग क्षेत्र में 600 ऑनलाइन सेवाएं मौजूद हैं। इनमें ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा सबसे यूनिक है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश में हुई आखिरी चुनाव में कुल हुई वोटिंग का 44% हिस्सा ऑनलाइन था। इस देश ने तकनीकी दुनिया में इतना विस्तार किया कि कुछ देशों में इसको ई एस्टोनिया नाम से पहचाना जाने लगा। यहाँ की ऑनलाइन सुविधाओं के बारे में जानकर कई देशों को रस्क होगा। यहाँ हर शख्सियत की हेल्थ का रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद रहता है। पार्किंग की फीस ऑनलाइन चुकाई जाती है। यहाँ नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन में कुल समय 18 मिनट लगता है। इसी तरह इनकम टैक्स भरने में कुछ वक्त ही लगता है। देश में बॉर्डर क्यू मैनेजमेंट, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रेजिडेंसी, ड्रीम अप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस पंजीकरण, ई कैबिनेट, ई कोर्ट और ई लॉ, ई पुलिस, यानी बहुत कुछ ऑनलाइन ही होता है। यही एक ऐसा देश है जहां पूरे देश में वाईफाई है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट बैंडविड्थ यहां चलती है। खास बात यह है कि इस देश की सुविधाएं केवल वहीं के लिए नहीं है, दूसरे देश में रहने वाले लोग भी यहां ई रेजिडेंसी बनवा कर खाता खोलने का दावा कर सकते हैं। इसके दम पर आप अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन का दावा भी कर सकते हैं।